गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम बुद्धेश और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी BA फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसका नाम है टू ऑटम। सो लेट्स स्टार्ट इट। इट्स अ पोयम टू ऑटम रिटन बाय जॉन किट्स। सो देखते हैं। जॉन किट्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश पोएट्स ऑफ हिज जनरेशन। द यंगेस्ट ऑफ द यंगर रोमांटिक्स, Keats was known for his use of sensuous imagery in his poetry, using vivid details to make readers see, hear, smell, and feel that which is described. He also believed in the power of beauty. In his own words, he loved the principle of beauty in all things, and this is reflected in his works, the most famous of which include The Eve of Saint Agnes, La Belle Dame sans Merci, and his odes to a night angel and to a Grecian urn. In a letter to his friend J.H. Reynolds, Keats wrote of how beautiful the season is now, how fine is the air, a temperature sharpness about it. Really, without joking, just with a dance kiss, I never liked stubble fields so much as now, and better than the chilly green of the spring. Somehow a stubbed field looked warm, in the same way that some pictures look warm. This struck me so much in my Sunday's walk that I composed up upon it. This experience is reflected in this poem. Two Autumn is one of the last poems that he published in his lifetime, and in many ways is a beautiful mellow swan song. It is one of his shortest odes with three stanzas of 11 lines each, and is in the form of an apostrophe, wherein an absent inanimate or animate being is addressed as if present. सो देखो यार, ये जो टू ऑटम नाम की पोएम है वो जॉन किट्स ने लिखी है। ऑब्वियसली एक पोएट जब भी एक पोएम लिखता है तो हमको उसकी फीलिंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो जॉन किट्स का जो इंटरेस्ट बताया गया है वो ब्यूटी में बताया गया है, नेचर में बताया गया है। तो देखते हैं टू ऑटम यानी कि सीजन, जो समर का सीजन होता है उसके बाद जो सीजन आता है उसको ऑटम कहते हैं, यानी पतझड़ का मौसम कहते हैं। तो पतझड़ के मौसम को कवि ने किस तरह से बताया है वो हम देखेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द टैच इज रन, टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉस कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपन टू द कोर, टू स्वेल द गोल्ड एंड प्लम द हेजल शेल्स। सो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी पोएट हमको बताना चाहता है कि जो सीजन है, अभी पतझड़ का सीजन है, फल फूल और जो धूप है सूरज की उसका यहाँ कवि ने वर्णन किया है। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द टैच इज रन, तो अलग अलग तरह के फल फ्रूट पेड़ों पर लगेंगे इस मौसम में, फल खिलेंगे, और उसके साथ साथ ही विद अ स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीस अंटिल द थिंग वार्म डेज विल नेवर सीज फॉर समर हैज ओ आर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। सो अब वक्त आ चुका है कि जो मधुमक्खियां है वो फूलों पर बैठने के लिए तैयार है। हु हैड नॉट सीन थी ऑफ्ट अमिड दिस स्टोर, समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड थी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड ऑन अन हाफ रिव फरो साउंड अस्लीप ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज व्हाइल द हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाद एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर्स। फिर से यहाँ पर कवि फूलों का वर्णन करते हैं और साथ साथ में बताते हैं कि ऑटम में जो हवा बहती है वो बहुत ही सुहानी होती है, और उसका भी कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। Spreads the next swath and all its twin flowers, and sometimes like a gleaner through those keep steady the laden head across a brook, or by a cider press with patient look to watch the last oozings hours by hours. इस तरह से जब poet जो है वो autumn को enjoy कर रहा है, autumn में बहती हुई हवाओं को enjoy करता है। Where are the songs of springs? Where are they? Think not of them, though has their music too, while bad clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then in a wailful core the small gnats moan, among the river sallows born aloft, or sinking as the light
wine lives or dies, and full-grown lambs loud bleed from hilly bourn. Hedge crickets sing, and now with the treble soft, the red breeze whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies. So, poet फिर से एक बार कहना चाहता है कि उसको एक पक्षी है रेड ब्रिस्ट नाम का, जो रॉबिन हम कहते हैं नॉर्मली उसको, तो वो पक्षी वापस से तैयार है, स्वेलोज वापस से तैयार है इस मौसम में चहचहाने के लिए। तो सिर्फ लेखक ही नहीं, उसके साथ पूरा नेचर और साथ ही साथ जो पक्षी है वो इस नेचर का मीन्स इस नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। लेखक पूछता है कि स्प्रिंग्स के गाने कहाँ हैं, और साथ ही साथ बहती हुई नदी का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, अमंग द रिवर सैलोस बॉर्न अलाफ्ट और सिंगिंग एज ए लाइट वाइंड लेज अ डाइस। सो इस तरह से कवि फलों का, फूलों का, नदियों का, पहाड़ों का और पक्षियों का वर्णन करते हुए ये बताना चाहता है कि देखो अब ऑटम का महीना है, वो आने वाला है, वो आ चुका है, और उसको इस तरह से जो नेचर है और जो पोएट है वो इंजॉय कर रहे हैं। सिंपल है, आप ग्लोसरी में जो हार्ड वर्ड्स है उनका मीनिंग एक बार देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। जब आप खुद पोएट की जगह खुद को रख के देखिए कि आप ऑटम के सीजन किस तरह से इंजॉय करते हैं, राइट। जैसे कि उसमें अब कुछ लोग गेहूं चुनने की बात की गई है, मधुमक्खियों की बात की गई है फूलों पर बैठते हुए, साथ ही साथ हवाओं के चलने की बात की गई है। सो ये सब पोएट ने इंजॉय किया। साथ ही साथ सिर्फ पोएट नहीं, वहां पर जो पक्षी है वो भी चहचहाने के लिए तैयार है, गार्डन में जाने के लिए तैयार है। सो इस तरह से ऑटम को पोएट ने इंजॉय किया। थैंक यू दोस्तों।